फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर कोतवाली पुलिस और सीओ सिटी आरबीएम अस्पताल पहुंचे और शव के पोस्टमार्टम की मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की कार्यवाही के लिए लड़की के पिता को तहरीर देने को कहा, जिस पर लड़की के पिता ने समाज के लोगों के साथ वार्ता के लिए कुछ समय बाद तहरीर देने को कहा। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए दहेज हत्या का मामला दर्ज कराने की बात कही है। सीओ सिटी सतीश वर्मा ने बताया कि सूचना मिली थी कि शबनम नाम की महिला ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिजन रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। नाम की लड़की निवासी आनंद नगर में शादी के 2 साल के अंतराल में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। इसके संबंध में पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए यहाँ आया हुआ था। उसके परिजन भी परखम से आए हुए हैं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में बातचीत होने से अभी उन्होंने कार्रवाई के लिए मना किया है। जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी कार्रवाई की जाएगी। 21 नवंबर में शादी करी थी और शादी करने के बाद मतलब ये 1.5 साल हो गया। 1.5 साल बाद में एकाजी लड़की फांसी लगा दी मार दी, और फिर उसके बाद में ये साहब ये मतलब ये हो गया छोटा सा नहीं दहेज की डिमांड करते थे और उसमें मतलब ये दहेज की डिमांड 10 लाख।